अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब उम्मीद है ठीक होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूला करें। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो ये जो चाय वाली वीडियो है बड़ी वायरल हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मैं भी ये चाय बना के जो है देखूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चाय तो सभी को बनानी आती है, किसको नहीं बनानी आती। ये थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से मैंने बिल्कुल हल्की आँच पर जो है 2 कप में चाय बनाने लगी हूँ। तो मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी डाली है और 2 ही चम्मच जो है वो चाय की पत्ती डाली है, और मैं इसको भून रही हूँ जब तक चीनी जो है वो मेल्ट ना हो जाए। तो ये हो रही है। उसके बाद जो है चाय डिफरेंट तरीके से बनती है, ये ढाबा स्टाइल चाय है, तो ढाबे में बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है जैसे ढाबा पे आता है। मैंने पहले बना के देखी है, पी है, फिर मैंने सोचा कि बड़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है तो आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूं। चलिए जी, ये हो गई है, भुन गई है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं दूध। ठहरे, अब हम इसमें डालेंगे दूध। देखिए थोड़ी सी गर्म है, दूध बॉइल हुआ हुआ है तो पकड़ के डालती हूँ। तो ये जी है 2 कप दूध। अब इसमें पानी भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया। अगर फ्रिज वाला ठंडा दूध हो तो थोड़ी सी जो है वो चीनी जो है इसमें जम जाती है, बाद में खुद ही मेल्ट हो जाती है क्योंकि वो दूध ठंडा होता है। ये इसको तो अब इसमें हम डालेंगे 2 इलायची छोटी वाली। ये मैंने 2 इलायची डाल दी है। इस चाय का टेस्ट और जो हम आम रूटीन में चाय बनाते हैं, दोनों के चाय में डिफरेंस देखिएगा कितना आता है। बिल्कुल ऐसा आता है जैसे आप ढाबे पे जाके जो है वो चाय पीते हैं, ढाबा स्टाइल चाय। ये छली बेचने वाला बाहर आया हुआ है, ये मैं जो है डेली लेती हूँ इससे, तो वो फिर रोज आके आवाज लगाना शुरू कर देता है छली। मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, जहाँ नजर आ जाए। तो मैं जरूर आज नहीं ले लिया, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। छोड़ के नहीं जा सकती, चाय है उबल जाएगी। देखिएगा कितना अच्छा इसका कलर आता है, इतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो ये देखिए चाय बन गई है तकरीबन। अब हम करते हैं चूल्हा बंद और इसे डालते हैं 1 कप पे और ट्राई करते हैं कि कैसी बनी है, टेस्ट आ रहा है उसमें ढाबा स्टाइल या नहीं। चलें ट्राई करते हैं। ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसकी, जो मैंने चाय की पत्ती और चीनी को पहले जो है वो भून लिया था, तो वो बड़ी मज़े की जो है वो खुशबू आ रही है। चाय को भून लेते हैं अब। ये देखिए ये हमारी हो गई है चाय तैयार। अब इसे हम करते हैं टेस्ट कि कैसा जो है चाय का टेस्ट आ रहा है। जी तो मेरी चाय हो गई है तैयार। ये देखें कितना अच्छा कलर आया हुआ है। तो मैं दूसरे तरीके से बनाती थी दोनों, तो जब मैंने ये देखा कि बड़ी वायरल हो रही है, बड़ी अच्छी मज़े की चाय है बन रही है, टेस्ट भी अच्छा आ रहा है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाला। तो जब भी आपका दिल करे ढाबा स्टाइल चाय पीने को तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें कितना अच्छा कलर और कितनी मज़े की है, वो तो आपको नहीं पता, आप पिएंगे तो पता चलेगा। मैंने जो है वो टेस्ट की है, बहुत मज़े की चाय है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने तो ट्राई कर ली, मैंने तो सेकंड टाइम जो है ट्राई किया, पहले ही बनाई थी तो बहुत मज़े की बनी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दूँ। तो ये थी जो है आज की वीडियो। तो बना रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, जिसको नहीं पता वो भी देख ले और वो भी जो है वो नए तरीके से ट्राई कर ले। वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है नए तरीक़ों से जो है वो चाय किसी भी चीज़ को बनाना। तो अब दीजिए इजाज़त, ये थी आज की वीडियो। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।